से कड़ी जोड़ रहे हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अवार्ड्स पे डिप्टी सेक्रेटरी साइन करता है, स्पेशल सेक्रेटरी साइन करता है, फिर सेक्रेटरी साइन करता है, फिर मंत्री भी साइन करता है। नहीं नहीं, लोग इतने भी चूतिया नहीं है। अवार्ड सिलेक्शन के पीछे क्या राजनीति चलती है ना तुम जानो ना हम। देखो मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता, अभी तक मुझे किसी एक्टर का लंच चूसने को नहीं मिला, लेकिन हमारे बॉलीवुड के मीडिया हाउसेस उन्होंने तो गटक रखा है, तो उन्हें जरूर पता होगा क्या होता है। आओ देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। तैमूर अली खान को ब्रांड्स इतने पैसे ऑफर कर रहे हैं जितने कई बड़े सेलेब्स को नहीं होते नसीब, लेकिन क्या सैफ करीना तैमूर अली खान को बनाएंगे इन ब्रांड्स का फेस? बच्चे के मुंह में बार दो DSLR और रिकॉर्डिंग ऑन रखना, अंतरिक्ष दिखेगा ना तुम्हें बहनचोद। अब फिल्म फेयर को इतने साल हो चुके हैं लेकिन लोग सिर्फ अभी क्यों फटे? ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा है कि सारे अवार्ड्स एक ही फिल्म को दे दिए, फिर लोग अभी क्यों फटे? देखो पहले हमें अपने घर से दो गलियां छोड़ के वंडरलैंड लगता था, लेकिन अब इस सदी में जहां लोग पैदा होते ही पैसे कमा रहे हैं, इस दुनिया का एक एक ज्ञान तुम्हारे हाथ में है, बोलो जय गुरुदेव। तो अब नागरिकों की सुबह हो गई है, वह जाग चुके हैं। तो जैसे उन्होंने फिल्म फेयर देखा, उनके जगे हुए दिमाग ने कहा ऐ तो टट्टी है, अब किसको काली औरत मिलेगी? इसका फैसला होता है एक जापानी गुड़िया से, उसके पेट में चाकू। छोड़ो यार, तुम लोग सही में मान लोगे। इसका फैसला करने के लिए एक पंचायत बिठाई जाती है जिसमें वो वाले लोग बैठते हैं, समझ रहे हो, वो वाले बड़े बड़े काले सूट वाले लोग, उनसे ज्ञानी कोई नहीं। बैठिए बैठिए बैठिए, बैठ गए बैठ गए बैठ गए। भ्रष्टाचार्य जी शुरुआत करते हैं, पहले ने नॉमिनी है उरी। हीरो कौन है जी? विक्की कौशल। वो कौन सा वाला है सर जो ऑल द बेस्ट में था, सपोर्टिंग के सपोर्टिंग रोल में? उसका डायलॉग है ना, मैं सामान लेके आऊं, मैं सामान लेके आऊं, मैं सामान लेके आऊं। अरे तो लाना। कोर्ट है सर, हम भी ड्राई बैठे हैं, आप पास कर दो, आप खत्म कर दोगे। कुछ नहीं सर। नेक्स्ट एनोनिमी है सोन चिड़िया। कौन सी चिड़िया? उस चिड़िया को मैं मार के खा गया। कितने बार का मेरे से पहले मत आया करो, मैं बुरा लगता हूँ। अरे आइए भाई। मोहन जी। हाँ सर। नेक्स्ट एनोनिमी है गली बॉय। अरे उसमें जैसे मैं बात करता हूँ वैसे वो गाते हैं। उसमें कौन है? वो पाजी अपना, सिंगिस किंग रणवीर। और सर रणवीर ये जिसके पास सामान रहता है, एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी के वक्त दीपिका के पर्स में डाल देता है, बहुत चला के सर। नेक्स्ट इनोनमी। अरे रुकिए मोहन जी, रणवीर को कहिए सारे अवार्ड्स ले जाए पर सामान दे जाए। मेरी बेटी रुकैया ने 4 हफ्ते से कुछ नहीं किया है, मुझे धमकी दे रही है अपने दोस्तों को कहकर अपने आप को किडनैप करवा लेगी और फिर मुझसे पैसे मांगेगी। सर प्लॉट तो ओरिजिनल लग रहा है। मोहन जी बेटी किसकी है? किसकी है सर? अरे मेरी है सर। आप गोरे वो काली? मान लिया सर, मैं वो रणवीर वाला करवाता हूँ। मेरा तुम सबसे एक सवाल है, क्या तुम्हें काली औरत मिली? नहीं। क्या मुझे काली औरत मिली? अजी घंटा। तो बहनचोद इतना लड़ क्यों रहे हो? कुछ कलाकार हैं जिन्हें लगता है उन्हें उनके हक का अवार्ड नहीं मिला और लोग बावड़े हो गए। देखो अगर तुम कहीं पर अन्याय देखते हो तो जरूरी नहीं है कि हर बार अपनी गांड मटकाते हुए वहां पर पहुंच जाओ। अवार्ड नहीं मिला तो नहीं मिला, ठीक है, कोई मुंह से रोटी थोड़ी ना छीन के ले गया, उनकी मर्सिडीज ऑल्टो में थोड़ी ना बदल गई। कम से कम सही चीज के लिए तो भसड़ मचाओ, सब पीछे पड़ गए काली औरत के। लेकिन क्या उस काली औरत से किसी ने पूछा क्या चाहिए, वो किसके साथ जाना चाहती है, क्या उसे कभी गोरा होना था? जितने लोगों की जिंदगी अटक गई है इस बात पे कि उन्हें काली औरत नहीं मिली, उन्हें तो हम और चिढ़ाएंगे। इस काम को करने आ रही है रोडीज की हैवी वेट चैंपियन नेहा। नेहा 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 नेहा, सुन मेरी बात, एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई। It's her choice. Maybe the problem lies with you. Check yourself first. Don't say कि मैं सब करता था। तू चूतिया।